नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपन अपने नए टॉपिक के साथ, और नया जो टॉपिक है वो अपना है एम्ब्रियोलॉजी। एक अपने सिलेबस में, जूलॉजी के सिलेबस में एक बड़े मेजर टॉपिक के रूप में आता है, काफ़ी लेंथी टॉपिक है। और इस टॉपिक में अपने पास काफ़ी छोटे छोटे सब पॉइंट्स जो हैं वो भी ले रखे हैं। ये टॉपिक जो है ये अपन सब पॉइंटों के बेस पर ही पढ़ेंगे, उसी के बेस पर छोटे छोटे वीडियो जो हैं उसी तरीके से पढ़ेंगे। टॉपिक ऐसा है जिसको तुम लोग सीक्वेंस में पढ़ोगे, सीक्वेंस में याद करोगे तो तुम लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा, अच्छे से याद भी होगा। और नहीं तो ये टॉपिक जो है अगर बीच में से लेते हो तो बीच में से समझ में नहीं आता है। चलो चालू कर ले अपन एम्ब्रियोलॉजी। देखो एम्ब्रियोलॉजी शब्द जो है वो एम्ब्रियोलॉजी शब्द होता क्या है, ब्रूडिंग की। यहाँ पर एम्ब्रियो का सबको पता है भ्रूण होता है, और लॉजी मतलब होता है लोगस, अध्ययन करना। तो सीधा सा अपन ने ये कहा कि क्या हो गया, टू स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, टू स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ये विज्ञान की शाखा जो है इसी को अपन एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, ब्रूडिंग कहते हैं। अब देखो यहां पर एक वर्ड केवल ये है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोलॉजी शब्द जो आता है, इस एम्ब्रियोलॉजी शब्द के दौरान तो केवल किसका अध्ययन हो रहा है, एम्ब्रियो का। तो इसी की एक विस्तृत शाखा और बना दी गई, ऐसे एम्ब्रियोलॉजी की एक विस्तृत शाखा बना दी गई, उसका नाम दिया गया डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये जो शाखा है इस शाखा को कहा गया डेवलपमेंटल बायोलॉजी। वास्तव में एम्ब्रियोलॉजी जो होता है, इस एम्ब्रियोलॉजी को अपन इस शाखा के दौरान पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी परिवर्धन जैविकी, इसे अपन कहते हैं परिवर्धन जैविकी। क्लियर है ये परिवर्धन जैविकी। अब क्या है, देखो अपन बात कर रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी, तो एम्ब्रियोलॉजी जो है ये एम्ब्रियोलॉजी तो विज्ञान की वो शाखा होती है इसके अंदर अध्ययन किसका किया जा रहा है, केवल एम्ब्रियो का। तो एम्ब्रियो का सीधा सा मतलब हो गया, तो उसके अंदर अपने जायगोट कह सकते हैं, जायगोट का डेवलपमेंट जो होता है वो जायगोट का डेवलपमेंट हुआ, और वो जायगोट जो है वो जैसे ही वयस्क बना, जायगोट जो है जैसे ही शिशु बना, लार अवस्था बनी, तब तक ये अध्ययन जो है ये खत्म भी हो गया। तो यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी के दौरान केवल स्थिति की गई एम्ब्रियो की, इसके बाद भी ये जो शाखा बनाई गई इसकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या किया गया, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इस एम्ब्रियो से पहले का पोर्शन भी लिया गया, एम्ब्रियो से पहले का पोर्शन भी। तो एम्ब्रियो से पहले का पोर्शन क्या हुआ, तो एम्ब्रियो बनाने के लिए क्या चाहिए, गैमेट्स चाहिए, युग्मक चाहिए, और उन युग्मकों का निर्माण भी होना होता है। तो अगर अपन ये कहें एम्ब्रियोलॉजी, तो इस एम्ब्रियोलॉजी में तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है, युग्मकजन की प्रोसेस है, उसको अपन सम्मिलित नहीं कर सकते। इसके अलावा प्राणी बनने के बाद में उसके अंदर मेटामोर्फोसिस वाला जो पोर्शन होता है वो, इसके अलावा ऑर्गन फॉर्मेशन वाला वो, इसके अलावा अपन ये बात करें जीर्णता है, पुनरुद्भवन है, वो चीजें जो है अपन ये एम्ब्रियोलॉजी या ब्रूडिंग में ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए विज्ञान की एक अलग शाखा और एक विस्तृत शाखा बना दी गई, इसका नाम रखा गया डेवलपमेंटल बायोलॉजी परिवर्तन जैविकी। इस परिवर्तन जैविकी जो है, इस परिवर्तन जैविकी में कहां से, तो परिवर्तन जैविकी में अपन ये बात कर सकते हैं प्राणी का विकास प्रारंभ कहां से हुआ, तो युग्मक जनन से प्रारंभ हुआ। प्राणी का विकास कहां से प्रारंभ हुआ, युग्मक जनन से प्रारंभ हुआ, और युग्मक जनन से लेकर प्राणी की मृत्यु होने तक, प्राणी की मृत्यु होने तक ये सारा का सारा सिस्टम जो होता है, ये सारी प्रक्रिया जो होती है, सारी प्रोसेस जो होती है, वो सम्मिलित की जाती है परिवर्तन जैविकी। क्लियर है। चल अब अपन थोड़ा सा इसके कुछ वैज्ञानिक से कुछ सिद्धांत थे उनके ऊपर चर्चा करते हैं, काफी इंपोर्टेंट पार्ट्स है, थोड़ा सा गौर करके देखना। इसके अंदर एक दो बार जो है अपने साइंटिस्ट के नेम जो है वो पूछे हुए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। चलो अपन चर्चा करते हैं, अगर अपन एम्ब्रियोलॉजी के जनक की बात करते हैं तो एम्ब्रियोलॉजी का जनक जो है वो है अरस्तु। देखो जूलॉजी में अपन बात करते हैं, तो जूलॉजी में लगभग किसी के भी जनक की या किसी भी फर्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अरस्तु जो है, एरिस्टोटल जो है, इसका नाम आता ही आता है। फिर अपन बात करते हैं आधुनिक जनक, एम्ब्रियोलॉजी के जो आधुनिक जनक है, ब्रूडिंग के आधुनिक जनक वो है वॉन बेयर। वॉन बेयर आगे अपन चर्चा कर रहे हैं, वॉन बेयर जो है उनको आधुनिक ब्रूडिंग का जनक क्यों कहा जाता है। अब देखो एम्ब्रियोलॉजी जो है, इस एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के लिए, या सीधा सा कहें एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो हो रहा है, तो उसको डेवलपमेंट कब हुआ उससे संबंधित कई सिद्धांत दिए गए हैं, कई सिद्धांत दिए गए हैं। उनमें से पहला सिद्धांत जो है ये है पूर्व रचनावाद।
पूर्व रचनावाद, प्री फॉर्मेशन थ्योरी, नाम से ही पता चल रहा है। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कह रहा है कि जो एग है या जो स्पर्म है उसके अंदर पहले से ही भ्रूण उपस्थित होता है। सीधा सा बात ये कहता है कि ये सिद्धांत ये कहता है कि ये जो एग है उस एग में पहले से ही एक भ्रूण उपस्थित है, वो आगे जाके केवल डेवलप होता है, ये पहले से ही भ्रूण उपस्थित है। ये सिद्धांत पूर्व रचनावाद है। पूर्व रचनावाद ये तो कहा एग में, और इसी सिद्धांत में ये होता है कि अपन ये कहें कि शुक्राणु, तो अपन ये कहेंगे कि ये शुक्राणु वाला पोर्शन है इस शुक्राणु में। तो ये सिद्धांत ये भी कहता है कि ये जो इसका शुक्राणु का जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक में भी पहले से ही उपस्थित एक जीव होता है, आगे जाके केवल इसका डेवलपमेंट होता है। तो पूर्व रचनावाद के आधार पर, पूर्व रचनावाद सिद्धांत के आधार पर ये कहा गया कि अंडे में या फिर शुक्राणु में, अंडे में या फिर शुक्राणु में पहले से ही जीव का अंश उपस्थित होता है जिसका आगे जाके केवल और केवल विकास होता है। अब इस सिद्धांत में भी दो पार्ट बन गए, दो पार्ट। अभी मैंने तुम लोगों से ये कहा कि अंडे या शुक्राणु, तो फिर इसी आधार पर इसके दो भाग बना दिए गए। वो कौन कौन से बना दिए गए? एक तो बना दिया गया ओविस्ट, ओविस्ट, और एक बना दिया गया स्पर्मिस्ट। एक बन गया ओविस्ट और दूसरा बन गया स्पर्मिस्ट। ओविस्ट क्या कहते हैं? ओविस्ट ये कहते हैं कि ये जो शिशु उपस्थित है या ये जो पार्ट उपस्थित है एम्ब्रियो का, ये किसमें है? तो ये उपस्थित है अंडे में। मतलब इन वैज्ञानिकों के अनुसार अंडे में पहले से ही जीव विद्यमान होता है जिसका आगे जाके केवल विकास होता है। फिर बात करते हैं स्पर्मिस्ट। ये स्पर्मिस्ट क्या कहते हैं? ये स्पर्मिस्ट कहते हैं कि अंडे में नहीं, किसमें? शुक्राणु में। अंडे में नहीं, शुक्राणु में पहले से जीव उपस्थित होता है जो कि आगे जाके केवल विकसित होता है। तो ये कौन थे? ओविस्ट में एक वैज्ञानिक आते हैं स्वेमेडर। ये स्वेमेडर जो है वो इसमें ऐड किए जाते हैं। स्वेमेडर ने ये कहा था कि अंडे में पूर्व उपस्थित जीव उपस्थित होता है। इसके बाद कहते हैं ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जो है उन्होंने सामान्य सूक्ष्मदर्शी जो है वो कांच के टुकड़ों के आधार पर उन्होंने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। तो ये ल्यूवेनहॉक जो है इन्होंने शुक्राणु देखा था, और शुक्राणु में इस तरीके से उन्होंने देखी थी। तो उन्होंने ये कह दिया था कि शुक्राणु में पहले से ही जीव उपस्थित है, वो आगे जाके केवल विकसित होगा। तो इस तरीके से इनको कहा गया स्पर्मिस्ट। तो ये दोनों पार्ट जो आते हैं ओविस्ट और स्पर्मिस्ट, ये दोनों ही क्या कहते हैं कि अंडे या शुक्राणु में पहले से ही जीव विद्यमान है। क्लियर? ये अपना इसका ब्रोडिकी का पहला सिद्धांत हुआ, पूर्व रचनावाद या प्री फॉर्मेशन थ्योरी से कहा गया था। अब हम बात करते हैं दूसरा, नवजननवाद, या इसको ऊपर पश्चजनन सिद्धांत भी कहते हैं। पश्चजनन सिद्धांत, पश्चजनन सिद्धांत या थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस किसने दिया? तो वोल्फ द्वारा प्रतिपादित है, वोल्फ द्वारा प्रतिपादित है, पर यहां पर नाम जो आता है वो बोनवेयर के लिए आता है। इन्होंने समर्थन दिया था इसका, इन्होंने कहा था कि ये जो सिद्धांत है पूर्व रचनावाद का जो सिद्धांत है ये गलत है, ये गलत है। इस सिद्धांत में बहुत सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, जैसे कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने मुर्गी का जो अंडा है उस मुर्गी के अंडे के ऊपर चारों तरफ मोम लगा दिया। किस पे? निषेचित अंडे पर। निषेचित अंडे पर चारों तरफ से मोम लगा दिया, और मोम लगाने के बाद उसको रख दिया। अब रखने के बाद उसमें जब परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने के बाद उन्होंने ये देखा कि इसे चूजे प्राप्त हुए, परंतु वो असामान्य थे, परंतु वो असामान्य थे। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये सिद्ध करना क्या चाह रहा था? ये सिद्ध करना चाह रहा था कि इसमें, इस एग में पहले से ही जीव के सभी अंश नहीं थे, वो कहीं ना कहीं बाहरी वातावरण के कारण से भी वो विकसित होते हैं, बाहरी प्रभावों के कारण से भी वो विकसित होते हैं। बाहर मोम लगा दिया तो बाहरी प्रभाव जो है वो उसके ऊपर नहीं पड़ पाए, और इसके अंदर असामान्य चूजा प्रकट हुआ, असामान्य चूजे का जन्म हुआ। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सिद्धांत जो है ये पूर्ण रूप से खारिज हो गया। तो ये सिद्धांत क्या कह रहा है? पश्चजनन सिद्धांत या नवजननवाद क्या कह रहा है कि किसी भी अंडे या शुक्राणु में पहले से कोई भी जीव विद्यमान नहीं होता है, निषेचन के बाद उनमें जीव
कोशिका से प्रारंभ होता है और धीरे 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 आगे जाके उसका विकास होता है, पहले से वो विकसित नहीं होता है। चलो नेक्स्ट तीसरा सिद्धांत, ये सिद्धांत जो थर्ड सिद्धांत है, इस सिद्धांत ने फिर भ्रूण की जो है उसकी परिभाषा को ही बदल दिया और इसके अंदर बहुत सारे पार्ट उन्होंने दिए। बेयर ने, बोन बेयर जो है, उस बोन बेयर ने इस भ्रूण की के लिए बहुत सारा काम किया था, इसी कारण से इसको आधुनिक भ्रूण की का जनक बोला जाता है। बोन बेयर जो है इन्होंने क्या किया, तो इस सिद्धांत को बेयर के सिद्धांत के ही नाम से जानते हैं। अब बेयर का सिद्धांत जो है वो क्या है, बेयर का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी प्राणी जिसका विकास हो रहा है, कोई भी प्राणी जिसका विकास हो रहा है, उसमें सबसे सामान्य लक्षण, ठीक है, उसमें सबसे सामान्य लक्षण सबसे पहले प्रकट होते हैं, फिर उसके बाद में सामान्य, फिर उसके बाद में कम जटिल, फिर उसके बाद में अधिक जटिल और सबसे अंत में विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं। सीधा सा मैं कहना चाह रहा हूं कि प्राणी का विकास जो प्रारंभ होता है एक कोशिका से, तो जैसे अपन मानव की ही बात करते हैं तो मानव का विकास जो है वो प्रारंभ होता है एक कोशिका से, जिसको अपन ह्यूमनस कहते हैं, जो कि द्विगुणित कोशिका होती है। उसी द्विगुणित कोशिका जो है उसी में आगे जाके विभाजित होता है, क्लीवेज होता है, ब्लास्टुलेशन, गैस्टुलेशन, ऑर्गन फॉर्मेशन और फिर ग्रोथ की क्रिया आती है, डिफरेंशिएशन की क्रिया आती है, तो उसके कारण से भी उसके अंदर धीरे 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 अंत में जाके विशिष्ट लक्षणों का विकास होता है। तो ये सिद्धांत कहता है कि प्राणी में विकास के दौरान सबसे पहले सामान्य लक्षण, उसके बाद सामान्य लक्षण, सबसे सामान्य, फिर कम जटिल, फिर अधिक जटिल और अंत में विशिष्ट लक्षणों का विकास होता है। विशिष्ट लक्षण कौन से, जो कि उस प्राणी में अपने दूसरे जातियों के प्राणी से विशिष्ट है, वो अलग है, वो सबसे अंत में प्रकट होते हैं। अब देखिए जो बेयर का सिद्धांत है, इस बेयर के सिद्धांत ने भ्रूणिकी के आगे के प्रयोग जो है उनके लिए बहुत अच्छा काम किया और अच्छा काम करने के साथ ही अगले जो वैज्ञानिक आए उनको एक आधार मिल गया कि अपने को इसको आधार मानकर आगे काम करना है। तो काम आ गया है सिद्धांत पुनरावर्तन का सिद्धांत। देखो कुछ बुक्स जो होती है उसके अंदर पुनरावर्तन का सिद्धांत बेयर के बारे में लिख रखा है, पर वास्तव में ये सिद्धांत जो है वो हीकल का दिया हुआ सिद्धांत है और दिया किससे प्रेरित होकर है, तो बेयर के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाया गया है। जो बेयर का सिद्धांत है उसको ही आगे बढ़ाया गया है, उसकी जो लैंग्वेज थी, बेयर के सिद्धांत की जो लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज को थोड़ा चेंज किया गया है। क्या किया गया है, तो हीकल ने इस पुनरावर्तन का सिद्धांत रेसिप्रोसिटी थ्योरी जो है उसके आधार पर यह कहा गया है कि कोई भी प्राणी, कोई भी विकसित प्राणी है, उसके यदि जायगोट का परिवर्तन देखा जाए तो उसमें उनके पूर्वजों की पुनरावृत्ति होती है, पूर्वजों के लक्षणों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे अपन मानव की ही बात करते हैं, तो मानव का विकास जो होता है वो एक कोशिका से होता है, ये जायगोट होता है, ये जायगोट जो है वो आगे विभाजन करेगा, विभाजन करके बहुत सारी कोशिकाएं बनाएगा, मतलब बहुकोशिकीय संरचना बनाएगा, बहुकोशिकीय संरचना जो है फिर इसके बाद में तीन जनन स्तंभों का निर्माण होगा, क्लियर है, फिर उसके बाद में ऑर्गन फॉर्मेशन जो है उसके द्वारा उसके अंदर अंगों का निर्माण होगा, फिर उसके बाद में मेटामॉर्फोसिस क्रिया आएगी, तो उस मेटामॉर्फोसिस क्रिया में एडल्ट प्राणी का विकास होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से अब देखो मानव की बात हम करते हैं तो मानव का जो पूर्ण विकास हुआ है वो कहां क्या प्रदर्शित कर रहा है, वो ये प्रदर्शित कर रहा है कि कहीं ना कहीं मानव का विकास या मानव जैसे प्राणियों का विकास एक कोशिकीय प्राणियों से हुआ होगा। तो ये एक कोशिकीय प्राणियों से, फिर उसके बाद में द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय, फिर दो जन स्तर, फिर तीन जन स्तर, फिर उसके बाद में लार्वा अवस्था और फिर उसके बाद में एडल्ट अवस्थाएं आती है, क्लियर है। ये किसी भी प्राणी का अगर विकास देखें तो अपने को यही महसूस होता है कि उस प्राणी का जो डेवलपमेंट है, उस प्राणी का जो परिवर्तन है वो अपने पूर्वजों की पुनरावृत्ति करता है। तो इसी को अपन कहते हैं लक्षणों की पुनरावृत्ति या पूर्वजों के लक्षणों की पुनरावृत्ति, यही सिद्धांत होता है पुनरावर्तन का सिद्धांत। वास्तव में ये हीकल वर्ड जो दिया गया है वो हीकल का है, पर सिद्धांत की अगर अपन बात करते हैं तो ये बेयर के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाकर इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसको पुनरावर्तन का सिद्धांत नाम दिया गया। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं जर्मप्लाज्म सिद्धांत। जर्मप्लाज्म सिद्धांत क्या कहता है, जर्मप्लाज्म सिद्धांत की बात हम करते हैं तो ये सिद्धांत
विद्यमान, ये कितना विद्यमान ये आया हुआ है हमने, देखो क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं आपके एग्जाम में, ये पुनरावर्तन का सिद्धांत पूछा हुआ है और ये जर्मप्लाज्म सिद्धांत जो है ये पूछा हुआ है। इसके अलावा ये आधुनिक भूमिका के जनक जो है उनके बारे में पूछा हुआ है। ये तीन जो क्वेश्चन है वो आपने पूछे हुए। जर्मप्लाज्म सिद्धांत क्या कहता है, दिया किसने, तो विद्यमान ने। विद्यमान ने क्या किया था, देखो पहले तक इतने जो सिद्धांत है इन सिद्धांतों ने ऐसा कभी नहीं बताया कि शरीर के अंदर कुछ दो पार्ट डिवाइड हो गए। जैसे विद्वान के सिद्धांत जो है, इस विद्वान के सिद्धांत ने दो पार्ट शरीर में डिवाइड कर दिए, कौन कौन सा, तो एक तो पार्ट कर दिया जर्म प्लाज्म, एक तो पार्ट कर दिया जर्म प्लाज्म, मतलब सीधा सा अपने अपनी अपनी भाषा में ये कह सकते हैं कि एक तो कर दिया उन्होंने जनन कोशिका, एक तो दे दिया उन्होंने जनन कोशिका और दूसरी दे दी उन्होंने कायिक कोशिका, दूसरी दे दी कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, ठीक है। ये सिद्धांत जो है ये भी जब उद्विकास का जो सिद्धांत दिया गया था, तो वो ध्यान को लेमार वाला सिद्धांत था, लेमार के सिद्धांत में ये कहा गया था कि जो अंग जो है ज्यादा काम में लिए जाएंगे वो ज्यादा विकसित हो जाते हैं, तो जिराफ की गर्दन वाला सिद्धांत था, तो वहां पर भी इन्होंने खंडन किया इसका। और उन्होंने इन्होंने विद्वान ने किया क्या था कि चूहा जो है वो चूहे की पूंछ जो है उसको 21 पीढ़ियों तक लगातार काटा गया, और लेमार का सिद्धांत क्या कहता है, जो अंग काम में नहीं आता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, जो ज्यादा काम आता है वो धीरे धीरे निश्चित हो जाता है। तो 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ जो है वो काम नहीं आई, पर फिर भी उनकी जो संतान हुई 22वीं पीढ़ी में जो संतान हुई उसकी फिर से पूंछ थी। तो यहाँ पर विद्वान जो है, इस विद्वान ने उस सिद्धांत के बारे में ये कहा था कि प्राणियों में कुछ दो पार्ट ऐसे होते हैं, उनको नाम दिया उन्होंने जर्मप्लाज्म और सामान्यतः कायिक कोशिका, कि यदि वो परिवर्तन जर्मप्लाज्म में होते हैं, यदि वो परिवर्तन जर्मप्लाज्म में होते हैं तो वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होंगे, तो वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होंगे, और अगर वो परिवर्तन कायिक कोशिका में होते हैं तो वो उसी के साथ में समाप्त हो जाते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी सम्मिलित नहीं होते हैं। जैसे लेमार का सिद्धांत वाला जो पार्ट था, तो उसके अंदर जिराफ की गर्दन वाला जो पार्ट रहा कि जिराफ की गर्दन लंबी हुई, तो कहीं ना कहीं वो जिराफ की गर्दन लंबी होने का जो जीन जो है वो कहां किससे रिलेटेड था, तो वो जनन कोशिकाओं से रिलेटेड था, इसकी वजह से वो आगे जाके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ गया। और उधर चूहे की पूंछ की बात करते हैं, तो चूहे की पूंछ वाले अगर अपन बात करें कि चूहे की पूंछ 21 पीढ़ियों तक भी खत्म करी फिर भी वो 22वीं पीढ़ी में वापस आ जाती है, तो वो क्या रहा, तो वो कायिक कोशिका का कैरेक्टर था, तो कायिक कोशिका का कैरेक्टर जो है वो तो प्राणी के साथ ही खत्म हो जाता है। अगली पीढ़ी जो है, अगली पीढ़ी में कायिक कोशिका जो है वो विभिन्नताएं लिए हुए होती है जनक के समान। चलो ये अपने कुछ सिद्धांत थे जो कि अपने एम्ब्रियोलॉजी के प्रारंभिक पार्ट थे। अब आगे अपन पढ़ते हैं इसके अंदर एक विशेष टॉपिक जो कि एम्ब्रियोलॉजी का एक पूरा का पूरा सारांश। ये एम्ब्रियोलॉजी का सारांश जो है, इस एम्ब्रियोलॉजी के सारांश को अपन कहते हैं ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन, ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट टॉपिक जो है, ये टॉपिक काफी इंपोर्टेंट पार्ट है। चलो अपन बात करते हैं, टॉपिक है अपना ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट। ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन, व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन, व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट। चलो अब हम बात करते हैं ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेप्स आएगी, किस तरीके से आएगा, तो एक डायग्राम बना के अपन समझेंगे तो लगभग पूरा अपने को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अपन बात करते हैं प्राणी का विकास जो है वो कहाँ से प्रारंभ होगा, प्राणी के विकास में प्राणी का उद्भव होगा, प्राणी का जैसे मानव की बात करते हैं तो मानव का उद्भव होगा वो कहां से होगा, तो वो कहीं ना कहीं गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन से प्रारंभ होगा। तो पहली स्टेप जो आती है वो आती है युग्मक जनन। अब युग्मक जनन की अगर बात करते हैं तो यहां अपन ले लेते हैं नर और इधर अपन ले ली मादा। नर और मादा जो है, इस नर के द्वारा किसका विकास होगा, तो नर के द्वारा शुक्राणु का विकास होगा। मादा के द्वारा किसका विकास होगा, तो मादा के द्वारा अंडाणु का विकास होगा। दोनों संरचनाएं कैसी होती है, तो दोनों संरचनाएं एन होती है। अपन बात करते हैं पहली जो पद है, ये पहला पद क्या हो गया, तो इस फर्स्ट स्टेप को अपन नाम देते हैं युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन।
क्लियर है। पहला पद अपने ले लिया युग्मक जनन। इस युग्मक जनन में ये वाला जो पार्ट है शुक्राणु का निर्माण वाली जो है इसको अपन कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और अंडाणु निर्माण क्रिया जो है उसको अपन कहेंगे ऊजेनेसिस। तो ये निर्माण किसका हो गया, ये निर्माण हो गया स्पर्म का और ये हो गया ओवा का। ठीक है, ये पहली स्टेप हो गई युग्मक जनन। इस युग्मक जनन के बाद में क्या आता है, तो इस युग्मक जनन के बाद की बात करते हैं तो यहां पर सेकेंड स्टेप जो आती है वो आती है फर्टिलाइजेशन निषेचन। फर्टिलाइजेशन निषेचन अगर बात करते हैं, निषेचन जो है निषेचन दो प्रकार का होगा, वो आंतरिक निषेचन हो सकता है, वो बाहर निषेचन जल में हो सकता है, अलग अलग पानी में अलग अलग। तो निषेचन जो है इस निषेचन के बाद जो संरचना बनती है ये संरचना कैसी हो जाएगी, तो ये संरचना इसके अंदर द्विगुणित होती है। द्विगुणित होती है, नाम क्या हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा इसका जायगोट युग्मनज, नाम हो जाएगा इसका जायगोट। क्लियर है, ये दो स्टेप हो गई, पहली आ गई युग्मक जनन और दूसरी आ गई निषेचन। इसके बाद हम बात करते हैं निषेचन के बाद जो प्रोसेस आती है वो प्रोसेस आती है तीसरी स्टेप की बात करते हैं, तो तीसरा स्टेप आता है इसके अंदर क्लीवेज। ये तीसरा स्टेप, तो अपन बात करते हैं इसके अंदर ये हो गया क्लीवेज। क्लियर है, तो ये थर्ड स्टेप आ गया क्लीवेज का। अब अगर आगे बात करते हैं क्लीवेज के बाद में क्या होता है, क्लीवेज जो है क्लीवेज में क्या होता है, क्लीवेज की अपन चर्चा करते हैं, तो ये जो युग्मनज है ये एक कोशिकीय है, इसमें विभाजन होता है, इसमें विभाजन होता है, और इस विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, इस विभाजन के फलस्वरूप एक बहुकोशिकीय संरचना बन जाती है, और इस तरीके से यह संरचना बन जाती है। पहले जो ये पहली ये संरचना जो होती है वो ठोस होती है, इस तरीके से ठोस संरचना पाई जाती है। क्लियर है, ये ठोस संरचना होती है। इस ठोस संरचना की बात करते हैं, ये कोशिकाएं जो है बहुत सारी कोशिकाएं हो गई, ये बहुकोशिकीय संरचना मिल गई, ये जो संरचना बनी है इस संरचना का नाम होता है मोरूला। इस संरचना का नाम होता है मोरूला। अभी जो मोरूला है, अच्छा इसी क्लीवेज के दो पार्ट हो जाते हैं, जैसे मोरूला बनने की क्रिया जो है उसको अपन मोरुलेशन कहेंगे, मोरूला बनने की क्रिया जो है उसको अपन मोरुलेशन कहेंगे। तो ये मोरूला वाला जो पार्ट हो गया। अब इसके बाद अपन क्लीवेज में ही बात करते हैं, तो क्लीवेज का जो अगला पोर्शन आता है वो क्रिया जो आती है वो आती है ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुला निर्माण की क्रिया। अब ब्लास्टुला क्या होता है, तो देखो ब्लास्टुला क्या होता है, ब्लास्टुला के बारे में करते हैं, तो ब्लास्टुला में ये जो मोरूला है, इस मोरूला में तो क्या होता है, एक ठोस संरचना है, मोरूला एक ठोस संरचना है, सीधा सा अपन कह सकते हैं मोतीचूर का जो लड्डू होता है उस जैसी संरचना है। फिर अपन बात करते हैं कि इसके बाद में जो संरचना बनती है ये संरचना कैसी है, तो आगे जो संरचना बनती है ये ऐसी संरचना होती है जिसके बीच में एक कैविटी बन जाती है, जिसके बीच में एक गुहा बन जाती है। ये जो संरचना है इस संरचना का नाम दिया जाता है ब्लास्टुला। इस संरचना का नाम दिया जाता है ब्लास्टुला, और इसकी जो ये जो गुहा है इसके अंदर ये जो गुहा बनती है इसका नाम होता है ब्लास्टोसीन। इसको कहा जाता है ब्लास्टोसीन। क्लियर है, ये अपने थर्ड स्टेप हो। अगर अपन उनको और स्टेप नाम देना चाहे तो ये जो फोर्थ स्टेप है इसको अपन ब्लास्टुलेशन नाम दे सकते हैं। ये जो स्टेप है इसको अपन ब्लास्टुलेशन नाम दे सकते हैं। इसके अंदर ब्लास्टुला का निर्माण होता है, कि एक खोखली गेंदनुमा संरचना होती है जिसके चारों ओर जो कोशिकाएं होती है ये आवरण जो होता है, चारों ओर आवरण जो होता है उसका नाम होता है ब्लास्टोडर्म, और ये जो कोशिकाएं होती है इन कोशिकाओं का नाम होता है ब्लास्टोमियर। क्लियर है, चलो फिर आगे अपन चलते हैं कि ये जो ब्लास्टुला है इस ब्लास्टुला में आगे प्रोसेस आती है। आगे प्रोसेस जो आती है मतलब स्टेप नंबर चार, स्टेप नंबर चार की बात अपन करते हैं तो वो क्या है, तो ये संरचना आ गई गैस्ट्रुला वॉल्व। ऑप्शन नंबर चार जो है उसको अपन कहते हैं गैस्ट्रुला वॉल्व गैस्टुलेशन। गैस्टुलेशन क्रिया क्या होती है, गैस्टुलेशन क्रिया में अब देखो अभी तक अपन ने ये पढ़ा कि ये जो है ये सारी की सारी कोशिकाएं जो जितनी भी ये कोशिकाएं हैं कहीं से भी किसी भी कोशिका को उठा लो तो ये पूरे के पूरे भ्रूण का निर्माण करने में सक्षम होती है, पूरा का पूरा भ्रूण जो है ये बना सकती है। तो ये जो कोशिकाएं होती है इसको टोटिपोटेंट कोशिकाएं कहते हैं, पूर्ण सख्त कोशिकाएं, पूर्ण सख्त कोशिकाएं होती है एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियोलॉजी में। ये पूर्ण सख्त कोशिकाएं आगे जितनी भी साइंस की शाखाएं हैं जैसे आजकल इनका बहुत उपयोग हो रहा है, इसके द्वारा जो है वो थेरेपेटिक क्लोनिंग के लिए मतलब चिकित्सकीय क्लोनिंग के लिए अलग अलग अंगों का निर्माण करने की भी कोशिश की जा रही है।
ठीक है। तो ये प्रत्येक कोशिका जो होती है भ्रूण के समस्त अंगों का निर्माण कर सकती है, इसलिए इसको पूर्ण सप्त या टोटिपोटेंट कोशिका कहते हैं। अब ये जो संरचना जो है वो तो एकल स्तरीय है, देखो अगर ये मान लो अंदर भी है, यहाँ पर भी है, इस तरीके से अगर ये कोशिका है यहाँ पर भी है तो भी ये सेम है, तो भी बाहर वाली और अंदर वाली कोशिका जो होती है वो सेम होती है। फिर वो अपन बात करते हैं गैस्ट्रोपोड, तो गैस्ट्रोपोड की बात करते हैं, तो गैस्ट्रोपोड में क्या होता है, अब ये जो एम्ब्रियो अपन ने पढ़ा, ये जो एम्ब्रियो है इस एम्ब्रियो में तीन जननेंद्रियों का निर्माण हो जाता है, ये तीन जननेंद्र बन जाते हैं। तीन जननेंद्र कौन से, तो तीन जननेंद्रियों की अगर अपन बात करते हैं तो बाहर क्या बन जाता है, ये बाहर बन जाता है एक्टोडर्म, बाहर एक्टोडर्म। फिर क्या बन जाता है, फिर अपन बात करते हैं तो यहां बन जाता है ये मेसोडर्म, यहां बन जाता है मेसोडर्म, और ये क्या बन जाता है, तो इसी के बाद हम कहते हैं तो ये एंडोडर्म बन जाता है, तो ये बन जाता है एंडोडर्म। तो गैस्ट्रोपोड की परिभाषा क्या होगी कि एकल जननेंद्रिय संरचना ब्लास्टुला से तीन जननेंद्रिय निर्माण की क्रिया, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म निर्माण की क्रिया जो है इसी को अपन क्या कहते हैं, गैस्ट्रुला भवन कहते हैं, इसी को गैस्ट्रुला भवन कहा जाता है। अब आगे अपन क्या कहते हैं, अभी देखो गैस्ट्रुला भवन के दौरान एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म इन तीन का विकास हो गया, तीन संरचना जो है वो बन गई। अब क्या होता है, अब इसमें जो प्रोसेस आती है वो आती है इसके अंदर अगली स्टेप, पांचवी स्टेप ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग निर्माण, ऑर्गेनोजेनेसिस अंग निर्माण। अंग निर्माण कैसे, तो जैसे अपन बात करते हैं एक्टोडर्म की बात करते हैं, तो एक्टोडर्म जो है जैसे इससे अपनी त्वचा बन गई, क्लियर है, एक्टोडर्म है इससे अपनी त्वचा बन गई, इससे अपना नर्वस सिस्टम बन गया। मेसोडर्म की बात अपन करते हैं तो मेसोडर्म से अपनी पेशियां बन गई, अपने मसूड़े बन गए, अपने टेस्टिस ओवरी, इसके अलावा अपने हार्ट बन गया, इसके अलावा अपने ब्लड बन गया, ये मेसोडर्म से बन गया। एंडोडर्म जो होती है इस एंडोडर्म से अपने एलिमेंट्री कैनाल का बहुत सारा पार्ट बन गया, ठीक है। इस तरीके से ये तीनों जननेंद्रिय जो होते हैं वो अलग अलग अंगों का निर्माण करते हैं, अलग अलग अंगों का निर्माण करते हैं। तो सीधा सा अपन ने कहा कि अब जो है अंगों का निर्माण होने लग गया और ये किसी प्राणी के जीवन में एक स्टेप आ गई, मतलब वयस्क स्टेप से पहले की स्टेप कह सकते हैं अपन, तो इसको अपन यहाँ पर लार्वा कह दिया, अपन ने यहाँ पर इसको लार्वा कह दिया, लार्वा, ठीक है। अंग निर्माण के बाद में ये लार्वा, देखो वैसे तो इसके बीच में एक स्टेप और आती है उसको न्यूरेशन कहा जाता है, गैस्ट्रुएशन जो होता है, गैस्ट्रुएशन के बाद में एक स्टेप और आती है उसको कहा जाता है न्यूरुला भवन, न्यूरुलेशन, तो उसके अंदर तंत्रिका निर्माण की क्रिया प्रारंभ होती है। तो अपन सीधे अंग निर्माण की क्रिया के दौरान पढ़ रहे हैं, इसमें सभी अंगों के निर्माण की बात कर रहे हैं, न्यूरुलेशन जो होता है वो केवल तंत्रिका निर्माण का पार्ट होता है। तो अंग निर्माण में यहाँ पर ये अंगों का निर्माण हुआ और ये लार्वा अवस्था आ गई। अभी जो लार्वा है अगली स्टेप की बात हम करते हैं, तो अपने यहाँ पर चार स्टेप, ये पांचवी स्टेप। अब छठी स्टेप की बात हम करते हैं, तो छठी स्टेप जो होती है ये आती है वृद्धि, ये आती है ग्रोथ, ग्रोथ में जो आती है इसकी वृद्धि अवस्था। अभी जो लार्वा है इस लार्वा में वृद्धि होगी और क्या होगा, तो इसके अंदर अपन सातवीं बात करते हैं, तो इसके अंदर विभेदन होगा, इसके अंदर विभेदन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, इसमें विभेदन होगा जिससे कोशिकाएं जो है वो अलग अलग बन जाएगी, कोशिकाएं जो है वो अलग अलग बन जाएगी, मतलब इन तीन तीन में विभेदन हुआ था, यहाँ एक सिंगल कोशिका थी, सिंगल लेयर थी, उससे तीन लेयर बन गई थी, अब इनमें भी धीरे धीरे और विभेदन होता जाएगा, विभेदन होगा तो इसके द्वारा फिर आगे जाके वयस्क का निर्माण होगा, तो ये वयस्क बन जाएगा, ये वयस्क प्राणी का निर्माण हो जाएगा। उस डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट है ये, और अगर अपन एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं तो एम्ब्रियोलॉजी का अध्ययन तो यहीं से चालू है, एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो वो तो जायगोट से चालू है, जायगोट से मोरुलेशन, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन और अंग निर्माण, ये जायगोट, ये जो एम्ब्रियोलॉजी है इस एम्ब्रियोलॉजी का पोर्शन यहाँ पर खत्म हो जाता है, ये आगे की क्रिया और इससे ये पहले की क्रिया, युग्मकजनन वाली क्रिया, ये एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट नहीं होती है, इसी वजह से ये जो पूरा पार्ट है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी परिवर्तन जैविकी में पढ़ा जाता है, यहाँ प्राणी का विकास हुआ। अभी जो प्राणी है इस प्राणी में धीरे धीरे वृद्धि भी होगी,
ठीक है, धीरे धीरे इसका विकास भी होगा और धीरे धीरे कोशिकाएं जो है इसकी एज बढ़ेगी, एज बढ़ेगी तो एक क्रिया अंत में आती है, आठवीं क्रिया जिसे कहा जाता है जीर्णता, इंग्लिश वर्ड होता है इसका एजिंग, इसे कहा जाता है जीर्णता। जीर्णता का सीधा सा मतलब अपन कह सकते हैं बुढ़ापा, जीर्णता का सीधा सा मतलब अपन कह सकते हैं बुढ़ापा। तो ये जीर्णता जो है, इस जीर्णता के दौरान धीरे 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 कोशिकाएं जो है वो एज में जाती जाती है और धीरे धीरे कोशिकाओं की मृत्यु होती रहती है, शरीर जो है वो शरीर पर धीरे धीरे झुर्रियां पड़ती रहती है, इसको सेनेसेंस भी कहा जाता है, सेनेसेंस, ठीक है, शरीर पर झुर्रियां पड़ती रहती है और शरीर की कोशिकाएं जो है उसका विभाजन बंद हो जाता है, पुरानी कोशिकाएं मरती रहती है, नई कोशिकाओं का विकास नहीं होता है और धीरे धीरे प्राण जो है उसकी अंतिम स्थिति और वो होती है उसको प्राप्त होता है। तो ये इस डायग्राम में आने वाली विशेष चीजें थी जिसको अपन ऑन्टोजेनिक, किसी प्राणी का, किसी एक प्राणी का, चाहे से वो कोई एनिमल हो, उसका अपन ने परिवर्तन पढ़ा है। उस परिवर्तन के दौरान ये इतनी स्टेप्स आती है, इतनी स्टेप्स में से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कुछ टॉपिक्स अपने सिलेबस में दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं? तो यहाँ पर अपने पास युग्मक जनन दे रखा है, निषेचन दे रखा है, निषेचन की क्रिया विधि दे रखी है, ठीक है। फिर इसके अलावा अपन इन क्लीवेज, ब्लास्टुला, मोरूला और गैस्टुला बोन और इनसे निर्मित होने वाले विभिन्न प्रकार के अंगों के बारे में भी थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। इतने टॉपिक जो है, ये इतने टॉपिक अपन इस एक छोटे से पार्ट में अपन लगभग लगभग पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनको अपन डिटेल स्टडी करेंगे और वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले लो, फिर आगे चलते हैं अपन।